हरियाणा में आगामी समय में होने वाले निकाय चुनाव से पहले हरियाणा राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से सभी तैयारी पूरी कर ली गई है। इसको लेकर MH1 प्राइम के सहयोगी चंद्रशेखर धरनी ने हरियाणा चुनाव आयोग के चेयरमैन दिलीप सिंह से खास बातचीत की। हरियाणा के स्टेट इलेक्शन कमिश्नर दिलीप सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे। सर, सबसे पहले ये जानकारी लेनी चाहूंगा कि जिस प्रकार से कुछ निगमों के चुनाव अब होने ड्यू हैं, वो कब तक संभावित है और उसको लेकर आपकी क्या तैयारी है? अम्बाला, पंचकुला और सोनीपत नगर निगम के, रेवाड़ी में जो है म्यूनसिपल काउंसिल के, और कई और जगह पर म्यूनसिपल कमेटीज के चुनाव लंबित हैं जिन्हें हम शीघ्र ही करवाने की उम्मीद करते हैं। उसके लिए हमें काफ़ी जो है तैयारी करनी पड़ती है। तो मैं बताना चाहूँगा कि सबसे पहला काम हमारा होता है कि जो वोटर लिस्ट है उसको हम वार्ड वाइज डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। उसमें हमें करीब 40 दिन के करीब का वक्त लग जाता है, तो वो कार्य हमारा संपन्न हो चुका है और 27 तारीख को, 27 नवंबर को वो लिस्ट प्रकाशित की जा चुकी है। सर, इस बार जो इलेक्शन है, कोरोना का समय चल रहा है, EVM मशीनों पर होंगे या पुरानी परंपराएं जैसी रही हैं बैलेट वाली, उस हिसाब से? जी नहीं, चुनाव जो हैं वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर ही होंगे सारे, और जो है क्योंकि हमारे पास काफ़ी संख्या में वोटिंग मशीन्स होती हैं और हम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से और भी लोन पे EVMs ले लेते हैं। पहले जो चुनाव कराते थे उसे हम M1 मशीन बोलते थे, मॉडल 1, अब उसके इम्प्रूव वर्जन आ गए हैं और M2 जो वर्जन की मशीन है उससे हम चुनाव कराएंगे। क्योंकि मतदाता सूचियों के लिए एक टेक्निकल पॉइंट आता है कि 2021 की जो मतदाता सूचियाँ होंगी, 2020 की होंगी, वो हर साल उनका दोबारा से पुनर्निर्धारण किया जाता है। तो क्या ये चुनाव कब तक होंगे, कि नई सूचियों में होंगे या पुरानी सूचियों में होंगे? जब भी चुनाव होते हैं तो उस साल की जो 1 जनवरी की इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जो मतदाता सूची होती है उसी को हम भी लेते हैं और उसे चुनाव कराते हैं। इस बार भी जो 1/1/20 को जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने विधानसभा के लिए जो मतदाता सूची बनाई है, हमने उसको ले लिया है और वो सूची जो है अब हमारे पास 16 नवंबर 2020 तक उसमें अपडेशन आ गए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि बिल्कुल ही लेटेस्ट तक हम वहाँ पे पहुँच गए हैं और उनके नाम मतदाता सूची में हमने इंक्लूड कर लिए हैं और चुनाव उसके द्वारा कराया जाएगा। फिर भी ऐसी स्थिति अगर कोई आती है कि कोई मतदाता ये समझता है कि उसका नाम अभी भी 16 नवंबर तक भी उसका नाम नहीं आ पाया है, तो वो तुरंत अपने संबंधित उपायुक्त से संपर्क करे और वहाँ पर अपना नाम विधानसभा की मतदाता सूची में डलवाए। सर, क्योंकि आगे पंचायत के चुनाव भी हैं, पंचायत के चुनावों को लेकर क्या तैयारी है और कब तक संभावित है? हमारी कोशिश होगी कि सभी औपचारिकताओं को पूरे करते हुए हम पंचायतों के चुनाव 24 फरवरी 2021 से पहले संपन्न कराएं। उसके लिए भी हमारी काफ़ी बड़े स्तर पर तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। नगर निगमों के चुनाव लगाइए, पंचायतों के चुनाव लगाइए, कोरोना काल में आ रहे हैं, तो EVM मशीनों को कितना सुरक्षित माना जा सकता है किसी भी आम आदमी के लिए, क्योंकि सरकार ने बायोमेट्रिक मशीन के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा रखा है? बताना चाहूँगा कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अभी बिहार में चुनाव कराए, हरियाणा में भी, बड़ौदा में कराए हैं, तो उन्होंने COVID-19 की गाइडलाइंस निकाली थी जो कि पूरे देश में लागू हैं। हमने भी उन्हीं को अडॉप्ट किया है और हम कोविड की गाइडलाइंस उसमें लागू करेंगे। मैं आपको वैसे बताना चाहूँगा कि 2-3 बातें, जैसे कि पहले 1500 मतदाताओं के ऊपर एक बूथ हुआ करता था, उसको घटा करके अब हमने 1000 मतदाताओं पर कर दिया। तो आप समझ सकते हैं कि लगभग मतदान केंद्रों की जो संख्या है वो ऑलमोस्ट डबल हो गई है। तो उसका एम ये है कि ज़्यादा लोग एक बार में इकट्ठे ना हो। इसके अलावा मतदान केंद्रों पर सैनिटाइजर्स, ग्लोव्स, PPE किट्स होते हैं और जो है डॉक्टर्स की टीम्स हैं, उन सबको वहाँ पे हम रखेंगे और EVM को जब जाने के लिए जब EVM का बटन दबाता है तो वहाँ पे भी संक्रमित होने का चांस होता है कोविड का, तो उसको हम जो दस्ताने देंगे हर व्यक्ति को ताकि वो दस्ताने पहनकर ही वो जो अपने वोट को डाल सके। धन्यवाद। तो ये हैं दिलीप सिंह जी, हरियाणा के स्टेट इलेक्शन कमिश्नर हैं। इनका कहना है कि कोरोना को देखते हुए पूर्णतः सतर्कता रखी जाएगी और इसके अलावा जो है नगर निगमों के चुनावों के जहां तक बातचीत में संकेत मिल रहे हैं कि दिसंबर के दूसरे पखवाड़े में इसकी तिथि सुनिश्चित हो सकती है, क्योंकि अभी विधिवत रूप से तिथि डिक्लेयर नहीं हुई है। कैमरामैन जितेंद्र हंस के साथ चंद्रशेखर धरनी, MH1 न्यूज़, चंडीगढ़।